पहले तो हम भूलभुलैया 3 देखेंगे यार। मैं तो पहले सिंघम देखूंगा पक्का। मैं दोनों एक ही दिन में देख लूंगा, या फिर पहले मैं भूलभुलैया 3 देखूंगा, क्योंकि मुझे कार्तिक आर्यन पर्सनली बहुत पसंद है। भूलभुलैया 3 ऑफ कोर्स, नो डाउट। मुझे लगता है मैं पहले भूलभुलैया 3 देखूंगी, क्योंकि रिसेंटली मैंने वही भूलभुलैया 2 देखा था, फिर से रीवॉच किया था। तो मुझे अभी जो न्यूज़ आया कि भूलभुलैया 3 आ रहा है, आई थिंक मैं भूलभुलैया 3 पहले देखूंगी फिर दूसरा। आई डोंट नो अबाउट सिंघम, क्योंकि सिंघम को बहुत टाइम हो गया था, लेकिन नो इट्स वो आई थी 2000s, आई डोंट इवन रिमेंबर। मे बी भूलभुलैया 3, आई डोंट नो, लेट्स सी। बट सिंघम इज लाइक, वो स्टोरी जॉनरा इज द सेम राइट, पुलिस का एंड एवरीथिंग। भूलभुलैया 3 इज हॉरर कॉमेडी, सो मे बी हॉरर कॉमेडी फर्स्ट। आई डोंट नो, प्रोबेबली भूलभुलैया 3, बिकॉज सिंघम तो मैंने कभी थिएटर में नहीं देखा है, तो आई रादर वॉच इट इन अ टीवी देन गोइंग टू अ थिएटर। मैं भूलभुलैया 3 देखूंगा, क्योंकि हॉरर, मेरे को हॉरर कॉमेडी ज़्यादा अच्छी लगती है, तो वो देखना पसंद करूंगा। डेफिनेटली भूलभुलैया 3, इट्स समथिंग दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। ऐसे मैंने कुछ प्रेफरेंस अभी है नहीं, बट हाँ मैं हो सकता है मैं थोड़ा इंक्लाइन मैं भूलभुलैया 3 के लिए। ऑब्वियसली भूलभुलैया 3 कॉमेडी है, मजा भी आएगा। बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं भाई, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है, बहुत क्रेजी होने वाला है, क्रेजी होने वाला है, जेन्युइन क्रेजी होने वाला है। मतलब कार्तिक आर्यन दोबारा से भूलभुलैया 3 में, वाओ यार, मतलब अक्षय कुमार टू कार्तिक आर्यन एंड अगेन कार्तिक आर्यन, अमेजिंग, बहुत अमेजिंग, मजा आने वाला है। द फर्स्ट मूवी वाज रियली गुड दो, लाइक सो लाइक देयर रियली हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम फॉर भूलभुलैया 3, लाइक रियली हाई एक्सपेक्टेशन, एंड द The cast is pretty good also. There's like new cast and there's old cast, like from 1 and 2. So I expect it's gonna be good. Probably Bhulbulaya. Yeah. Bhulbulaya 3 आने वाली है, उसको लेके आप कितने excited हैं? मैंने पार्ट 1 देखा था एंड वो लाइक बहुत अच्छा था, इवन इफ मेरे को डर लगता है भूत से, बट स्टिल मैंने देखा वो पूरा। मुझे पार्ट 2 ज्यादा पसंद आया, सो आई एम एक्सपेक्टिंग मच मोर फ्रॉम कार्तिक आर्यन दिस टाइम। We are very excited and भूलभुलैया 2 was the best, especially भूलभुलैया 1 because the comedy, और हम लोग expect कर रहे हैं ये और comedy होगी। Yeah, we are hoping to see much more and we are very excited to see it। इसमें कार्तिक आर्यन विद्या बालन का वो दिखाया है वर्सेस, हाँ तो कैसा रहेगा? It would be fun and very very exciting। That would be nice. Yeah, the best thing ever. मैं एक्चुअली बहुत एक्साइटेड हूँ, बिकॉज पहले में जो ट्विस्ट था वो सेकेंड में जैसा था वैसे बिल्कुल नहीं था, इट वॉज टोटली डिफरेंट। जब कार्तिक आर्यन आया सेकेंड में, जब उसने जो सीन किया, जिसने वो डांस किया, वो टोटली डिफरेंट था फर्स्ट से। तो थर्ड जब आएगा, जब वो फिर से आएगा, वो जो रिव्यू दिखाया था, प्रिव्यू उसने जो दिखाया था कि उसमें वो फिर से उस हॉन्टेड हाउस में जा रहा है, तो मेरे को बहुत एक्साइटमेंट हुआ, बिकॉज मुझे वो फिर से देखना है, मुझे वो पहला देखने में इतना मज़ा आया, इसलिए आई एम वेटिंग फॉर द थर्ड वन कि कैसा होता है वो। वो एक्सपीरियंस मुझे थोड़ा शॉकिंग लगा कि ऐसा पहली बार हुआ है, क्योंकि फर्स्ट में और सेकंड में हुआ नहीं था, तो कैसा होगा वो देखने के लिए आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। पार्ट 2 वॉज फन, बट मैंने वो थिएटर्स में नहीं देखा था, आई सॉ इट एट होम। पार्ट 2 वॉज रियली फन, बट आई डोंट नो हाउ पार्ट 3 इज गोइंग टू बी, क्योंकि अभी इवन देर इज तृप्ति इज ऑल्सो देर राइट, तृप्ति दिमरी एंड भूलभुलैया 3, आई गेस शी इज नॉट, सो आई डोंट नो, बट द मूवी वॉज फन, तो आई होप कि अभी एक्स्ट्रा फन हो, एक्स्ट्रा हॉरर कॉमेडी हो। आई लव तब्बू इन द मूवी। आई एम एक्चुअली, आई हैव वॉच भूलभुलैया 2 पहले, तो भूलभुलैया 3 के लिए ऑफकोर्स मैं एक्साइटेड हूँ। या एंड या अब मैंने देखा है, अब दिसंबर में आ रहा है, तो लेट्स गो, देखते हैं अब कैसा आएगा। एक्चुअली मैंने पार्ट 2 देखा है, बट 1 मैंने नहीं देखा है, तो अब 3 लेट्स सी कैसा है। आई एम एक्साइटेड, क्योंकि भूलभुलैया 2 मुझे इसलिए अच्छा लगा था क्योंकि उसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स थे एंड में, तो यस आई एम एक्साइटेड फॉर पार्ट 3, होपफुली उतने ही ट्विस्ट एंड टर्न्स हो इस पार्ट में भी। या मैं सेकेंड और फर्स्ट भूलभुलैया दोनों देखा था, फर्स्ट में अक्षय कुमार की एक्टिंग बहुत भाप थी और सेकेंड में कार्तिक आर्यन भी बहुत अच्छे थे। लेट्स गो कार्तिक, या वेटिंग फॉर यू थर्ड रिलीज, इट्स गुड, द फ्रेंचाइज इज वेरी गुड। आई एम एक्साइटेड फॉर भूलभुलैया 3, पानी भूलभुलैया 1 और 2 दोनों बहुत ईद गई है, फाड़ू फिल्म है। सेकंड में कार्तिक आर्यन आया तो भी उस वो मूवी ने बबाल बचाया,
इसलिए तीसरी का बहुत ज़्यादा वेट है। बहुत ही एक्साइटमेंट हो रहा है क्योंकि जैसे ही पार्ट वन और पार्ट टू अलग अलग, उसमें बहुत थ्रिलर था प्लस इतना फनी कॉमेडी थी कि पार्ट थ्री के लिए बहुत ही एक्साइटमेंट हो रहा है। हाँ, कार्तिक आर्यन है। पहले वाले में अक्षय कुमार थे। हाँ, पहले वाले में अक्षय कुमार थे और अभी न्यूज़ आ रही है ऐसी कि पार्ट टू पार्ट थ्री में तो और ही ज़्यादा कॉमेडी होने वाली है। रू बाबा और उसमें विद्या बालन भी है। हाँ, तो और ही मज़ा आएगा क्योंकि पार्ट वन के कैरेक्टर, पार्ट वन में जो विद्या बालन का कैरेक्टर था एंड फिर अभी जो आएगा, चलो एक उसके लिए बहुत एक्साइटमेंट है कि वो कैसा रहेगा एंड कैसे रोल्स रहेंगे, कैसा कॉमेडी। भूल भुलैया वन और टू दोनों बहुत अच्छी थी। इट्स अ न्यू जॉनर, हॉरर कॉमेडी है, नॉट समथिंग वी सी वेरी ऑफन। तो भूल भुलैया थ्री के लिए डेफिनेटली वेरी एक्साइटेड। भूल भुलैया टू देखा था और वो बहुत पसंद आई थी मेरे को भूल भुलैया टू पर्सनली विद कार्तिक आर्यन एंड ऑल। सो आई एम क्वाइट एक्साइटेड, आई एम गोना वॉच इट फर्स्ट डे फॉर श्योर। बहुत एक्साइटेड है अभी तो। भूल भुलैया टू और वन बहुत अच्छी मूवी थी, सो अभी भूल भुलैया थ्री के लिए भी बहुत एक्साइटेड है और मूवी देखने के लिए हम ज़रूर जाएंगे। इसमें वो विद्या बालन और रू बाबा भी है, कार्तिक आर्यन। हाँ, इसलिए ही तो जा रहे हैं और क्या। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। पहला पार्ट जैसे अच्छा था और सेकंड पार्ट में कार्तिक आर्यन ने भी वो लेगेसी मेंटेन करी, तो थर्ड पार्ट का इंतज़ार है, तो आई एम वेटिंग फॉर इट। पहले तो हम भूल भुलैया थ्री देखे यार, मैं तो पहले सिंगम देखूंगा पक्का। मैं दोनों एक ही दिन में देख लूंगा या फिर पहले मैं भूल भुलैया थ्री देखूंगा क्योंकि मुझे कार्तिक आर्यन पर्सनली बहुत पसंद है। भूल भुलैया थ्री, ऑफ कोर्स, नो डाउट। मुझे लगता है मैं पहले भूल भुलैया थ्री देखूंगी क्योंकि रिसेंटली मैंने वही भूल भुलैया टू देखा था, फिर से रिवॉच किया था, तो मुझे अभी जो न्यूज़ आया कि भूल भुलैया थ्री आ रहा है, आई थिंक मैं भूल भुलैया थ्री पहले देखूंगी फिर दूसरा। आई डोंट नो अबाउट सिंगम क्योंकि सिंगम का बहुत टाइम हो गया था, लेकिन नो इट्स वो आई थी 2000s, आई डोंट इवन रिमेंबर। मे बी भूल भुलैया थ्री, आई डोंट नो, लेट्स सी। बट सिंगम इज लाइक वो स्टोरी जॉनर इज द सेम राइट, पुलिस का एंड एवरीथिंग। भूल भुलैया थ्री इज हॉरर कॉमेडी, सो मे बी हॉरर कॉमेडी फर्स्ट। आई डोंट नो, प्रॉबेबली भूल भुलैया थ्री, बिकॉज सिंगम तो मैंने कभी थिएटर में नहीं देखा है, तो आई रादर वॉच इट इन अ टीवी देन गोइंग टू अ थिएटर। मैं भूल भुलैया थ्री देखूंगा क्योंकि हॉरर, मेरे को हॉरर कॉमेडी ज़्यादा अच्छी लगती है, तो वो देखना पसंद करूँगा। डेफिनेटली भूल भुलैया थ्री, इट्स समथिंग दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। ऐसे मैंने कुछ प्रेफरेंस अभी है नहीं, बट हाँ मैं हो सकता है मैं थोड़ा इंक्लाइन मैं भूल भुलैया थ्री के लिए। ऑब्वियसली भूल भुलैया थ्री कॉमेडी है, मज़ा भी आएगा। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ भाई, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत क्रेजी होने वाला है, जेन्युइन क्रेजी होने वाला है। मतलब कार्तिक आर्यन दोबारा से भूल भुलैया थ्री में, वाह यार, मतलब अक्षय कुमार टू कार्तिक आर्यन एंड अगेन कार्तिक आर्यन, अमेजिंग, बहुत अमेजिंग, मज़ा आने वाला है।